आलू दम बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को लेंगे। यहाँ पर हम आलू को बॉयल कर लिए हैं और इसे ठंडा होने के बाद हम इसे छील लेंगे। छीलने से आलू दम बनाने के लिए हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम छोटे ही आलू लें, आप कोई भी आलू से आलू दम को आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी है। तो आप यहाँ पर कोई भी आलू से बनाएं। अगर आपके पास छोटे आलू नहीं हैं तो आप ये मत सोचिए कि आलू दम हम नहीं बना पाएंगे, आप बड़े आलू से ही आलू दम बहुत अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो यहाँ देखिए हम आलू को छील लिए हैं, तो सारे आलू को ऐसे छील लेंगे और क्या करेंगे कि एक प्लेट लेंगे और इस आलू को हम दो भागों में काट लेंगे। तो ये देखिए, तो सारे आलू को ऐसे दो भागों में काट लें। आलू को हम हाफ बॉयल किए हैं, इसे पूरा बॉयल नहीं करना है, हाफ बॉयल मतलब थोड़ा सा बॉयल करना है। तो ऐसे ही सारे आलू को काट लें और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए तीन प्याज और कुछ लहसुन लिए हैं, इसे हम पीस लेंगे। तो इसे बारीक पेस्ट बना लें और यहाँ पर तीन टमाटर है, मिर्चा है, काजू है और अदरक है, इसका भी हम अलग से पेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाएं। और यहाँ पर काजू की जगह आप पोस्ता दाना भी ले सकते हैं। और यहाँ हमारा पेस्ट बन गया है, इन दोनों को हम बहुत ही बारीक पेस्ट बनाया है। देखिए तो अब चलते हैं गैस के पास, गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा देंगे या जो भी आप जिसमें आलू दम को बनाएं, और उसमें हम डाल देंगे तेल। तो यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे आलू को। तो आलू को इस तरह डालें ताकि आपका तेल का छींटा हाथों पे ना आए। और गैस को मीडियम करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। इसे इस तरह लगातार चलाते हुए आलू को पूरा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारा आलू बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब हम आलू को निकाल लेंगे। तो सारे आलू को निकाल लें। अभी हमारा तेल बहुत इसमें ज़्यादा है तो इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच जीरा। जीरा को कुछ सेकंड भून लें और इसी में हम डाल देंगे एक पिंच हींग। हींग को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे ये प्याज का पेस्ट। तो प्याज का पेस्ट डाल दें और इसे अब अच्छी तरह से हमें प्याज को लाल कर लेना है। तो प्याज को लगातार चलाते रहें और प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इसे 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई करें। देखिए हमारा प्याज है हल्का सा फ्राई हो गया है, तो थोड़ी देर हम इसे और फ्राई करेंगे। देखिए हमारा प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर टमाटर और मिर्चा और काजू का पेस्ट जो हम बनाए थे, इसमें प्याज के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसी में हम डाल देंगे यहाँ पर 2 लौंग को लेंगे, कुछ दालचीनी लेंगे, यहाँ दालचीनी का टुकड़ा लें और 1 बड़ी इलायची लेंगे, इसे हल्का सा कूट लेंगे। देखिए मैं कूट ली हूँ और इसी में डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो हल्का सा मैं यहाँ पर नमक डाल दी। और 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे ये धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हम डाल देंगे जीरा पाउडर। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अब मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन बिल्कुल ना रहे। आप इस तरह से आलू दम बनाएंगे तो आपका आलू दम बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और आप जब चाहेंगे आलू दम को बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला भून गया है, इसी में हम आलू को डाल देंगे जो आलू को फ्राई किए थे। आलू और मसालों को अच्छी तरह से मिला लें और इसमें हम डाल देंगे ये पानी, थोड़ा सा पानी डाल दें और इसमें हम 1 गिलास और पानी डालेंगे। तो आपको जितना ग्रेवी पसंद है उतना पानी डाल दें, आलू दम में लेकिन ज़्यादा ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे 1/2 गिलास और हम पानी डालेंगे, तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और मिक्स कर ले इसे अच्छी तरह से।
आलू हमारा बॉयल है तो ठंडा होने के बाद ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, तो उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे। और इसमें हम डाल देंगे ये कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी को हल्का सा तवा पे रोस्ट कर लें और इस तरह क्रश करके हम डाल देंगे। मिक्स कर लें इसे अच्छी तरह से और इसे अब हम ढक करके पकाएंगे। तो इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे तो आलूदम हमारा बहुत ही अच्छा बना है। तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो गरम मसाला डाल दें। गरम मसाला डालने के बाद हम डाल देंगे यहाँ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता को डाल दें और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यह हमारा बहुत ही टेस्टी आलूदम बन के रेडी है। इसे अब हम सर्व करेंगे। तो इसे आप चावल रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।